नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चाय बना रहा हूँ और ये चाय स्पेशल चाय है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में अगर आपको पता ही है कि चाय वगैरह की कितनी डिमांड रहती है, और अगर एक स्पेशल ढंग से चाय बनाई जाए तो वो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। आपको ये पता ही है कि भाई सर्दी, जुकाम, खांसी, गैस, बदन दर्द, शरीर दर्द, पूरे दिन का काम काज करने के बाद थकावट बंदे को हो ही जाती है। तो मेरा एक यूर है, मतलब मेरा एक रूल रहा है, मैं सर्दियों में स्पेशल, गर्मियों की बात नहीं कर रहा, सर्दियों में मैं जो ये जो आप सारे मसाले देख रहे हैं, या कुछ भी कह लीजिए, जैसे मसाले या इंग्रेडिएंट्स जो भी बोल बोलिए, मैं ये सारे मसाले चाय में डाल के जरूर पीता हूँ सर्दियों में, रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले। तो आज ये किस टाइप की चाय बनती है और इसको पंजाबी स्टाइल की स्पेशल चाय किस लिए बोला गया है, मैं आपको बताऊंगा। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें मटेरियल या मसाले कौन कौन से डाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, पहले तो आप ये ले लीजिए, छोटी इलायची, देखिए ग्रीन कलर की छोटी इलायची है, ये मैं डालूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपको चाय कितनी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हमें, या कितनी आपको खुशबू चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी पीस के डालनी है। उसके बाद ये मोटी इलायची आप देख रहे हैं, मोटी इलायची और इन सारी चीजों के औषधीय गुण भी हैं, इसलिए मैं इस चाय को बोल रहा हूँ कि एक औषधीय चाय भी बोल सकते हैं। और ये चाय मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग चाय पीते हैं और सर्दी की ऐसी कोई समस्या आपको भी रहती है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी है, और अगर ऐसी कोई फीवर वगैरह हो गया तो ये चाय जरूर पिए, और बहुत फायदे करती है, नुकसान नहीं करती। इसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये एक दो लौंग आप डाल सकते हैं, मैं लौंग जरूर डालता हूँ। इसके बाद सौंफ हो गई और अदरक वगैरह हो गया, जो कि ऑलरेडी मैंने इसे ऐसे पीस कर रखा हुआ है, या जो भी आप कह सकते हैं कद्दूकस करके कुछ भी रखा हुआ है। और पंजाबी चाय इसको स्पेशल क्यों नाम दिया, क्योंकि मैं इसमें अजवाइन भी डालता हूँ। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, ज्यादातर बंदे को आपने सुना होगा कि अजवाइन नहीं डालते, अजवाइन के बहुत फायदे रहते हैं, ये गैस वगैरह, पेट में दर्द वगैरह होगी, अफार हो गया, या और भी जो सारे मसाले आपको पता ही है इनके गुण जो रहते हैं, बलगम वगैरह होती है, खांसी होती है, गले में दर्द होता है, सूजन होती है, या छोटा बच्चा भी अगर आपके यहाँ उसको पेट में दर्द किया, अगर ऐसे को फील हो तो उसे 2-4 चम्मच ऐसी चाय पिला दोगे ना, तो भाई साहब सही बता रहा हूं, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चाय। ये सारी काली मिर्च हो गई, काली मिर्च भी डाल दो, काली मिर्च ज्यादा नहीं डालनी, काली मिर्च आपको पता है कि अगर खांसी की दिक्कत रहती है तो एक तो काली मिर्च भी आप पीस के डाल दो पूरे मसालों के साथ, जो कि ऑलरेडी आप जो देख रहे हैं ये मसाले मैंने उसके कहते हैं ऑलरेडी पीस के रखे हुए, और अब मैं इसे चढ़ाऊंगा। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा मैंने रखा हुआ स्पेशल, ये हम लोग कोई टाइम था जब राजस्थान माउंट आबू गए थे, तो वहां से हम स्पेशल परचेज करके लेके आए थे, ये छोटे छोटे मसाले कूट के, हम आम दस्ता आप कह सकते हैं जो भी है, तो स्पेशल वहीं से लेके आए। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है स्पेशल। और अब चलो स्टार्ट करते हैं, और इसमें तुलसी वगैरह भी आप डाल सकते हैं, जो कि तुलसी के पत्ते जो आप देख रहे हैं, थोड़ा 1-2 घंटे हो गए तुलसी के पत्ते लिए हुए, और तुलसी के भी आप जानते हैं कितने ज्यादा औषधीय गुण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पलंग तोड़ चाय बनाते हैं। और सबसे पहले तो हम गैस ऑन कर लेते हैं, ये गैस ऑन हो गई, और उसके बाद ये स्टेप से मैंने इसमें पैन रख दिया, और इसमें अब मैं डालूंगा पानी। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो पता है कि आपको इसका भाप भी बनती है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा पानी इस टाइप से डाल देंगे। और अब इसे थोड़ा हो गया, 1.5 कप पानी हो गया, अब इसके अंदर इस सारे मसाले जो है थोड़ा सा जैसे उबाला आएगा इसे उबलने देंगे, और इसके 1-2 मिनट बाद ये थोड़े सारे मसाले मैं इसमें डालता हूँ, सारे के सारे मसाले हमने इसमें डाल देने हैं। ये 6-7 तरीके के जो मसाले हैं भाई साहब, सही कह रहा हूँ, आप ये चाय अगर आप पीते हैं, और नहीं भी पीते तो मेरे कहने पे इस टाइप की एक बारी चाय आप बना के पी के देखिए, जो आपको ये सारी सर्दी की से रिलेटेड जो सारी समस्याएं होती है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पूरी सर्दी के सीजन में आपको सर्दी की समस्या हो जाए, सर्दी आपसे कोसों दूर भागेगी। तो भाई साहब देखिए,
कितने अच्छे तरीके से इसमें उबाल आने स्टार्ट हो गए। थोड़ी सी आंच इसकी कम कर देंगे ताकि पानी के अंदर ये जो सारे हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसके गुण एब्जॉर्ब हो जाए पानी के अंदर। और हाँ, इसे ढकना जरूर है, इस टाइप से ढक जरूर देंगे, क्योंकि ये जो सारे मसाले हल्का सा थोड़ा हमें खोल कर रखना है। ये जो इसकी भाप जो बन रही है और इसका जो अर्क बनता है, वही अर्क तो मेन होता है, वही अगर उड़ जाएगा तो उसके फायदे क्या। तो इसलिए जो भी इसकी भाप बनेगी, जो वेपर बनेगा, वो हमारा वापिस इसी के अंदर पानी में डिजोल्व होता जाएगा। इसलिए इसे कवर जरूर करके रखना है और थोड़ी देर इसे ऐसे गर्म होने देते हैं। देखिए, तो ये देखिए भाप जो निकल रही है, वेपर जो निकल रही है, और ये देखिए ये जो पानी आ रहा है ना, ये जो ड्रॉप्स वगैरह जो दिख रही है, यही तो अर्क होता है जो हमारा ये जो रस लगे, इसको इसके अंदर हमें जाने देना है। और लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अदरक ये सारी चीजें जो है ना, इनके अगर फायदे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दबा के उसे डाल दे। कोई भी चीज की अगर अति होगी तो वो नुकसान ही करेगी। ये देखिए कितना अच्छा हमें दूर खड़े होते ही जो है मेरे को इसकी खुशबू इतनी मस्त आ रही है। छोटी इलायची, एक एक जो मसाला जो डाला है, मैं आपको बस बता सकता हूँ इसकी अनुभूति। तो आप जब जो स्टाइल मैंने आपको बताया है इस टाइप से बनाएंगे तभी आप कर पाएंगे, जरूर बनाइएगा। और अगर ऐसी चाय आपने कभी पहले पी है ये सारे मसालों के, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं बनाई तो मेरे कहने पर जो आप चाय बनाएंगे उसे पी के फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा, हाँ भी आपको टेस्ट आया कि नहीं आया। चलो जी, अब ये हमारा लगभग सारे इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ी सी हल्की, ज्यादा चाय पत्ती नहीं डालनी, ये जो है चाय पत्ती, मैं इसमें हल्की सी चाय पत्ती डालूंगा, 1 स्पून आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। और अभी से जो है थोड़ा सा फिर इसे हम पकने देंगे अच्छे से, इसमें उबाल आने देंगे ताकि जो हमारी चाय पत्ती जो है उसका टेस्ट भी आना चाहिए। ये देखिए भाई साहब, ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने कहा चलो हमारे जो व्यूवर्स उनको भी ऐसी चाय पिलाई जाए, क्योंकि आप लोग भी हमारे भाई बंधु हैं तो चाय जरूर पीते होंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखनी है, आप चीनी का अगर इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये आप जो देख रहे हैं, मैं जो है ज्यादातर जो है देसी खांड इसे बोलते हैं, मैं यही यूज करता हूँ। ये यूज कीजिए मीठे में, या फिर आप गुड़ यूज कर सकते हैं। ये हमारी हड्डियों को, सबसे बड़ी बात यह कि हड्डियों को नुकसान नहीं करती, और जो चीनी रहती है वो केमिकल्स वगैरह से बनी रहती है, तो इसलिए अपने स्वाद के अनुसार जो है आप ये इसे डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूंगा, मेरे लिए इतनी एनफ है, क्योंकि थोड़ा मैं मीठा थोड़ा कम ही लेना पसंद करता हूँ। तो इस टाइप से अब ये हो गया है, इसे थोड़ा सा फिर हिला लेंगे। देखिए कितना पानी हमने लिया था और कितना कम पानी रह गया, एब्जॉर्ब हो रहा है अच्छे से। और इसके बाद अब हम डालेंगे लास्ट और फाइनल इसमें दूध। अब देखिए ये दूध मैं इसमें डालूंगा, और अब इसे फाइनल हो गई है, और इसे अब हम पकने देंगे, इसमें उबाल आने देंगे। तो वैसे देखिए इसमें अब उबाल आने स्टार्ट हो चुके हैं, और अच्छे से इसे लगभग 2-4 मिनट हो गए उबाल आते हुए। थोड़ा इसे और चलने देंगे, थोड़ा वेट करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। देखिए, तो ये अब लगभग चाय जो है फाइनल उबाल हम दे के इसे फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। तो भाई साहब देखिए क्या मस्त चाय पक चुकी है इस समय। इसे मैं बंद कर देता हूँ, और अब जो है इसे मैं छान लूंगा। तो अब मैं इसको जो है छान लेता हूँ चाय को। भाई साहब, अगर रोज सोने से 1-1.5 घंटा पहले अगर ऐसी चाय मिल जाए और खाना खाने के बाद, भाई साहब पूरे दिन की थकावट और सर्दी वाली जो समस्या जो है ना दूर हो जाएगी। मेरे कहने पे आप
अगर ऐसी कोई समस्या आपको रहती है तो ये चाय जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये चाय आप पूरी सर्दियों में ट्राई करके देखो, और सही बता रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा और सर्दी खांसी जुकाम की समस्या जो है ना आपकी दूर हो जाएगी। इसमें टेस्ट के लिए मैं कई बार, अगर मतलब गले में भी कई बार दर्द होता है, पेन होता है ना, तो इसमें मैं इसमें हल्का सा चुटकी भर एक ना सेंधा नमक भी डाल लेता हूँ, क्योंकि सेंधा नमक आप जानते हैं बहुत फायदे करता है कंपेयर टू नॉर्मल नमक, और वो हमारे गले को भी बेनिफिट पहुंचाता है। तो इसकी खुशबू मेरे को दूर से बहुत आकर्षित कर रही है, तो आप भी मेरे कहने पे एक बार ये चाय जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।